राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में चल रहे 15 दिवसीय मंडल स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में गुरुवार तक 94 लाख से अधिक की बिक्री हो चुकी है, जिसके संबंध में जिला ग्रामोद्योग अधिकारी AK पाल ने बताया कि आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर मंडल स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी लगाई गई है, जो 7 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी तक चलेगा। उन्होंने बताया कि शनिवार को प्रदर्शनी का समापन होगा। इस प्रदर्शनी में देश के 6 से 7 राज्यों से लोगों ने आकर अलग अलग वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई है, जो विभिन्न प्रकार की हैं, जिसमें राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से आए हुए हैं, उनके अलग अलग उत्पाद हैं। इसमें खादी के वस्त्र और ग्राम औद्योगिक वस्तुएं हैं। यहाँ प्रतापगढ़ के मुरब्बे, आंवला अचार हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक इस प्रदर्शनी में 94 लाख से ऊपर की बिक्री हो चुकी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला ग्रामोद्योग अधिकारी AK पाल ने कहा, चाहे भाई साहब बताइए। मैं रमा शंकर शुक्ला, अध्यक्ष चैम्बर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स गोरखपुर। मंडली खादी प्रदर्शनी जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाई गई है, और इसमें लगभग 90-95 स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ गोरखपुर से लेकर के और भारत के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। इसमें विशेष करके खादी के जो उद्यमी हैं, जो खादी आश्रम के लोग हैं, उन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है। इसमें हम लोगों का ODOP का स्टॉल है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम है कि गोरखपुर को रेडीमेड गारमेंट हब बनाया जाए। उसके तहत हम लोग यहाँ पर अपना श्री सतगुरु फैशन प्राइवेट लिमिटेड अपना स्टॉल लगाया हुआ है। और हम लोग, आप यकीन नहीं करेंगे कि बाज़ार में 400 रुपये में शर्ट सिलाया जाता है, हम 300 रुपये में देते हैं। ये कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि ब्रांडेड चीज़ें और हमारे महानगर वासियों तक सीधे पहुँचे, उसी को मूर्त रूप देने के लिए यहाँ रेडीमेड गारमेंट हब बनाया जा रहा है। तो हम लोग पैंट है, शर्ट है, लेडीज में आप ट्रैक सूट देख सकते हैं, और तरह तरह के लेडीज और जेंट्स दोनों आइटम तैयार कर रहे हैं। और अभी हमारा एक ODOP का मार्ट भी, पहला मार्ट हिंदी बाज़ार में खुला है, जिसके द्वारा हम महानगर की जनता से अपील करेंगे कि वहाँ बाजार दर से आधे दर पर लोगों को सारी चीज़ें मुहैया कराई जा रही हैं। बिक्री हो जाती है, अब मार्ट पर तो बिक्री होती है, यहाँ पर भी बिक्री हुई है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये प्रदर्शनियाँ होती हैं आपस में एक दूसरे की जान पहचान, एक प्रेजेंटेशन कि गोरखपुर के लोग समझें कि हाँ यहाँ पर भी शर्ट है, पैंट है, अन्य सामग्री है, बनता है, ब्रांडेड चीज़ बनता है और सस्ता बनता है, इसके लिए प्रदर्शनी होती है। और इसी साथ साथ हम लोग खादी को, माननीय प्रधानमंत्री जी का वोकल फॉर लोकल है, इसके तहत घर घर खादी पहुँचाने का अभियान है। उसके तहत जो खादी, पहले खादी का जो लोगों के मन में एक भाव हुआ करता था कि खादी बहुत महंगी है, कुछ हद तक वो सही भी था, लेकिन आज खादी उसी
जो कॉन्सेप्ट था उसी को मुंह टूट देने के लिए कि हाँ महंगी नहीं बल्कि सबकी अप्रोच में खादी है, हम लोगों ने खादी का भी अपना स्टॉल लगाया हुआ है। खादी को रेडीमेड गारमेंट में हम लोगों ने इसको ले लिया है कि जो सिलाई के दाम पे हम आप कुर्ता पजामा पैंट शर्ट जो मार्केट में सिलाई है उसके दाम पर हम लोग खादी का सुलभ करा रहे हैं। और आने वाले दिनों में हम लोग घर घर जाएंगे और विद्यालय विद्यालय जाएंगे, विद्यालय में शिक्षकों माननीय शिक्षकों को और वहाँ छात्रों को सबको एक दिन खादी पहनने के लिए प्रेरित करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे। इससे क्या होता है, खादी और कॉटन में बेसिक अंतर क्या होता है, खादी एक आप कपड़ा पहनते हैं तो एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है क्योंकि हाथ से बनता है और कॉटन मशीन से बनता है। उसमें आप एक मशीन लगाएंगे तो 500 लोगों का रोजगार खत्म होता है, तो इसलिए खादी को अपनाने से रोजगार सृजन भी होगा। और गांव-गांव जो हमारे लोग हैं, अभी देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताऊँ, गोरखपुर विश्वविद्यालय से हमारा पैक्ट हो रहा है कि हम वहां पर रेडीमेड गारमेंट का क्लास चलवाएंगे, वहां टेक्निकल लेबर्स को भी तैयार किया जाएगा और खास करके उद्यमियों को तैयार किया जाएगा। वहाँ कोई भी हम महानगर के युवाओं से अपील करते हैं कि वो आवे क्षेत्र में, रेडीमेड गारमेंट के क्षेत्र में आवे, हम उन्हें सारी फैसिलिटी देंगे, उनको फाइनेंस से लेकर के उनको टेक्निकल लेबर से लेकर के सारा सपोर्ट उनको दिया जाएगा, उनको उद्यमी बनने में कोई किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। इससे हमारा यह गोरखपुर रेडीमेड गारमेंट का हब बनेगा और हम लोग यहाँ से डोमेस्टिक से लेकर के और इंटरनेशनल तक सप्लाई जो एक्सपोर्ट करते हैं वो भी करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं और भविष्य में शुरू भी हो जाएगा। मेरा नाम एके पाल, मैं यहाँ जिला ग्राम उद्योग अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। यह है आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 दिवसीय एक मंडल स्तरीय प्रदर्शनी लगाई गई है जो 7 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी तक चलेगी। 21 तारीख को यानी कल इसका समापन है। इस प्रदर्शनी में पूरे देश के करीब 6-7 राज्यों से दुकानें आई हुई हैं, विभिन्न प्रकार की, कुछ राजस्थान से है, पंजाब से है, जम्मू से है, कश्मीर से है, उत्तर प्रदेश से है, उत्तराखंड से है, और इसके बाद से इनके अलग अलग उत्पाद हैं, खादी के वस्त्र हैं इसमें और ग्राम औद्योगिक वस्तुएं हैं, प्रतापगढ़ के आंवला मुरब्बा अचार ये सब हैं। और अभी तक इस प्रदर्शनी में करीब 94 लाख रुपए तक की बिक्री हो गई है, कल तक की बिक्री है जो आज हमने नोट कराया, सुबह 94 लाख रुपये की बिक्री हो गई है। इसका समापन कल 21 तारीख को होगा।